सब्सक्राइब करें एसएन टेक्निकल चैनल को और प्रेस करें इस बेल आइकॉन को ताकि आपको मिल सके वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले। हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स, आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है अर्थिंग को मल्टीमीटर से एवं लैंप से किस तरह चेक किया जाता है। वैसे तो अर्थिंग का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है और हमारे घरों में हो या इंडस्ट्री में सभी जगह अर्थिंग का होना काफी ज्यादा जरूरी होता है। तो हम आज के स्टूडियो में यही देखने वाले अर्थिंग को मल्टीमीटर से किस तरह चेक करेंगे। यदि आपके पास मल्टीमीटर अवेलेबल नहीं है तो उसे लैंप से किस तरह चेक किया जा सकता है, दोनों को प्रैक्टिकली देखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम समझ लेते हैं अर्थिंग का इंपॉर्टेंस क्यों होता है, अर्थिंग को हमें क्यों होना जरूरी है। जैसे कि हमारे घरों में जो कूलर होगा या भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट हो गए, उसमें कुछ ना कुछ लीकेज करंट होता है, तो उस लीकेज करंट को ग्राउंड करने के लिए डेट में से उसे लगाने में शॉक ना लगे, इसके लिए हमें अर्थिंग प्रोवाइड करते हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं अर्थिंग को किस तरह चेक किया जाता है। हमारे पास यहाँ पे एक सॉकेट है जहां पे हमने अर्थिंग प्रोवाइड किया है और यह सॉकेट में हमने अर्थिंग को प्रोवाइड नहीं किया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे फेस दिया गया है, यहाँ पे न्यूट्रल और यहाँ पे अर्थ हमने प्रोवाइड किया है। यह वाला ग्रीन वाला वायर अर्थिंग के लिए हमने यूज किया है, जबकि यह वाला जो सॉकेट है उसमें फेज और न्यूट्रल दिया है, उसमें हमने अर्थिंग को नहीं दिया है। चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं उसे मल्टीमीटर से किस तरह चेक किया जाता है। चलिए पहले हम समझ लेते हैं यदि अर्थिंग को मल्टीमीटर से चेक कर रहे हैं तो हमें क्या करना है। फ्रेंड्स, मल्टीमीटर से यदि हम चेक कर रहे हैं तो मल्टीमीटर सबसे पहले हम वोल्टेज रेंज पे लगाएंगे और वोल्टेज मेजर करेंगे। सबसे पहले हम वोल्टेज मेजर करेंगे फेज और न्यूट्रल के बीच में। अब इससे पता कैसे करेंगे हमारे पास अर्थिंग प्रोवाइड है या नहीं, पहले समझ लेते हैं। फेज और न्यूट्रल के बीच में सपोज यहाँ पे आया 236 वोल्ट या 236 वोल्ट सपोज आया, अब हम क्या करेंगे फेज और अर्थ के बीच में रीडिंग लेंगे। पहले हमने फेज और न्यूट्रल के बीच में लिया था, अब फेज और अर्थ के बीच में रीडिंग लेंगे। तो जो भी हमारी रीडिंग सपोज यहाँ पे 236 आया था, इससे एक दो पॉइंट कम या ज्यादा, दैट मीन्स 234 235 ये तो इतनी यदि रीडिंग आती है, दैट मीन्स इससे थोड़ी ही कम आती है, तो हम मान सकते हैं कि हमारी जो अर्थिंग है वह एकदम सही है। और एक और तरीका है जो कि काफी अच्छा है, जो ज्यादा यूज किया जाता है, न्यूट्रल टू अर्थ के बीच में। न्यूट्रल टू अर्थ के बीच में आप देख में सी न्यूट्रल और अर्थ के बीच में भी जो वोल्टेज है उसे मेजर करके पता कर सकते हैं। वैसे तो जो यदि आप बुकों में देखोगे तो आपको 5 वोल्ट तक दिया जाता है कि 5 वोल्ट तक आता है तो आपकी अर्थिंग ठीक ठाक मानी जाती है। 5 वोल्ट से ज्यादा आता है तो आपकी अर्थिंग को पानी डालना होगा या उसमें कोयला नमक डाल के उसे अर्थिंग को सुधारना होगा। बट यदि फ्रेंड्स हम 5 वोल्ट नहीं लेते हैं, जो इंडस्ट्री में होता है 2 to 3 वोल्ट लिया जाता है, इससे ज्यादा होती तो हमें अर्थिंग को सुधारना होती है। तो यदि 2 वोल्ट हम मान लेते हैं, 2 वोल्ट से कम आ रहा है न्यूट्रल और अर्थ के बीच में, तो आपकी अर्थिंग सही है। चलिए मल्टीमीटर से हम पहले चेक कर लेते हैं। हमने यहाँ पे अभी वॉइस को मल्टीमीटर को वोल्टेज रेंज पे सेट किया है। तो पहले जैसा हमने दिखाया था फेज और न्यूट्रल के बीच में हमें रीडिंग लेना है, देख लेते हैं कितना आ रहा है। ये हमारा फेज सॉकेट है, ये हमारा न्यूट्रल सॉकेट है। हम देख लेते हैं कितना वोल्टेज यहाँ पे आ रहा है। यहाँ पे हम वोल्टेज को नोट करते हैं तो यहाँ पे आ रहा है 237। अब जैसा फेज और न्यूट्रल के बीच में आ गया 237, अब जैसा हमने दिखाया था फेज और अर्थ के बीच में लेते हैं, यहाँ पे कितना आ रहा है वह नोट कर लेंगे। अभी हमें वहां पे मिल रहा 237, यहाँ पे मिल रहा है 236। ये 237 के आसपास ही मिल रहा है, दैट मीन्स यहाँ पे अर्थिंग काफी अच्छी है। अब तीसरा हमने देखा था न्यूट्रल टू अर्थ, तो न्यूट्रल टू अर्थ के बीच में भी देख लेते हैं। अब यहाँ पे 600 वोल्ट पे नहीं दिखाया था, हम यहाँ पे 20 वोल्ट पे लगा लेते हैं ताकि हमें जो भी ये पॉइंट में एकदम सही मिल सके। तो यहाँ पे आप देख रहे हो 0.60 या दैट मीन 0 के अंदर अंदर ही है, तो 1 के आसपास है, तो भी हम मान सकते हैं हमारी जो अर्थिंग है काफी अच्छी है। यदि ये 3 से ज्यादा आती है तो हमें अर्थिंग को सुधारना होगी। अभी तो हमें 1 के आसपास ही मिल रही है, दैट मीन्स न्यूट्रल टू अर्थ, तो हमारी अर्थिंग यहाँ पे काफी अच्छी प्रोवाइड की गई है। ये हमने ग्रीन वाला वायर अर्थिंग के लिए ही यूज किया है। अब यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे हमने अर्थिंग को प्रोवाइड नहीं किया है, यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पे हम यदि वोल्टेज को 600 पे लगा लेते हैं, यहाँ पे हम अर्थिंग को वोल्टेज जैसे ही मेजर करेंगे तो हम देख लेते हैं कितना वोल्टेज यहाँ पे आ रहा है। हम यहाँ पे देख लेते हैं वोल्टेज, अभी यहाँ पे हमें मिल रहा है फेज और न्यूट्रल के बीच में 236 और फेज और अर्थ के बीच में मिल रहा है 24, दैट मीन्स इतना ही जी मिलना चाहिए जितना फेज और न्यूट्रल के बीच में मिल रहा है। दैट मीन्स यहाँ पे हमने अर्थिंग को प्रोवाइड नहीं किया है और फेज और न्यूट्रल के बीच में भी कुछ ठीक नहीं मिल रहा है। अब हम लैंप से चेक कर लेते हैं और पता करते हैं अर्थिंग को प्रोवाइड किया गया है या नहीं। हमने मल्टीमीटर से तो देख लिया है जितना फेज और न्यूट्रल के बीच में मिल रहा है उतना ही फेज और अर्थ के बीच में भी मिलता है, तो हमारा अर्थिंग सही है। और यदि हम न्यूट्रल टू अर्थ से चेक करते हैं तो यूजुअली 2 या 3 वोल्ट से ज्यादा नहीं आना चाहिए। अब हम लैंप से देख लेते हैं किस तरह चेक किया जाता है। तो हमने भी मल्टीमीटर से तो देखा, बट यदि आपका मल्टीमीटर अवेलेबल नहीं है तो आप बल्ब से किस तरह चेक कर सकते हैं यह समझ लेते हैं।
जैसा कि हमने पता किया था फेज और न्यूट्रल के बीच में जितना वोल्टेज है उतना ही फेज और अर्थ के बीच में है, दैट मीन्स फेज और न्यूट्रल के बीच में बल्ब जलता है तो फेज और अर्थ के बीच में भी बल्ब ने जलना चाहिए। हम यहाँ पे न्यूट्रल और अर्थ को बल्ब से चेक नहीं कर सकते, जस्ट हम क्या करेंगे फेज और न्यूट्रल के बीच में बल्ब देखेंगे फिर फेज और अर्थ के बीच में देखेंगे। यदि दोनों जगह बल्ब हमारा ग्लो होता है दैट मीन्स वहां पे अर्थिंग प्रोवाइड किया गया है। चलिए हम प्रैक्टिकली देख लेते हैं, पहले फेज और न्यूट्रल के बीच में देखते हैं। तो यहाँ पे हमारा बल्ब ग्लो हो रहा है, अब हम फेज और अर्थ के बीच में देख लेते हैं। तो यहाँ पे भी हमने देखा हमारा बल्ब ग्लो हो रहा है, दैट मीन्स यहाँ पे जितना वोल्टेज है इतना ही वोल्टेज यहाँ पर, दैट मीन्स यहाँ पे अर्थिंग प्रोवाइड किया गया है। अब हम यही टेस्ट यहाँ पे देखते हैं, फेज और न्यूट्रल के बीच में बल्ब देखते हैं ग्लो हो रहा है या नहीं। तो यहाँ पे फेज और न्यूट्रल के बीच में ग्लो हो रहा है बट फेज और अर्थ के बीच में ग्लो नहीं हो रहा है। यदि फेज और अर्थ के बीच में भी ग्लो होता तो हमारी अर्थिंग मानी जाती कि सही है। तो इस तरह आप कहीं पर भी मल्टीमीटर से या लैंप से चेक कर सकते हैं। मल्टीमीटर से जस्ट ओवरव्यू फिर समझ लेते हैं, पहले फेज और न्यूट्रल के बीच में रीडिंग लेके जितनी रीडिंग फेज और न्यूट्रल के बीच में ली यदि उतनी ही रीडिंग फेज और अर्थ के बीच में भी आ रही है तो हमारी अर्थिंग एकदम सही है। और न्यूट्रल टू अर्थ आप लेते हो तो 3 वोल्ट से कम आना चाहिए। और बल्ब से चेक करते हो तो न्यूट्रल और फेज के बीच में बल्ब ने ग्लो होना चाहिए और फेज और अर्थ के बीच में भी ग्लो होना चाहिए यदि आपकी अर्थिंग सही है। तो सो आप इस तरह कहीं पर भी आप अर्थिंग से चेक कर सकते हैं। वैसे तो हमने इंडस्ट्री में किस तरह चेक की जाती है उसके ऊपर वीडियो पहले ही बनाया है, आप वो देखना चाहो तो देख सकते हो। सो फ्रेंड्स आई होप आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन जरूर प्रेस करें क्योंकि इससे हमें पता चलेगा आपको हमारा वीडियो कैसा लग रहा है और हम आगे चल के आपके लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियो बना सकेंगे। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, थैंक्स फ्रेंड्स।